चलिए भाई आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि RHEL 8 और RHEL 9 में हम लोग अपने लैन कार्ड या कनेक्शन को कैसे इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं NMCLI कमांड के द्वारा। अब अगर बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी मशीन को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है 100.1। अब मान लीजिए मैं अपनी इस मशीन की कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूं अनदर मशीन से, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं पिंग स्पेस उस मशीन का आईपी एड्रेस जिससे आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, टाइप करके आप एंटर की प्रेस करो। अब यहां पर कान खोल के सुनो, जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कनेक्टिविटी जब आप चेक करते हो ना, तो केवल 4 पैकेट सेंड किए जाते हैं और उनका जो भी रेस्पॉन्स आता है वो आपको डिस्प्ले करा दिया जाता है, फिर वो रेस्पॉन्स स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन भाई लाइनक्स में ऐसा नहीं है। लाइनक्स में जैसे ही आप पिंग स्पेस डेस्टिनेशन वाली मशीन का आईपी एड्रेस टाइप करके एंटर की प्रेस करोगे, तो ये जो भी रेस्पॉन्स है ना, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे वो ये रेस्पॉन्स निगेटिव है पॉजिटिव है, ये रेस्पॉन्स कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे कि विंडोज में हम लोग -T लगा के कंटिन्यू पैकेट सेंड करते हैं, लाइनक्स में ऐसा नहीं है। लाइनक्स में आईपी पिंग स्पेस आईपी एड्रेस टाइप करके जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, जो भी रेस्पॉन्स है चाहे वो निगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो आपको कंटिन्यू शो होता रहेगा। अब अगर आप इस रेस्पॉन्स को स्टॉप करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल के साथ सी। अब देखो यहां पर आप पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, किसके साथ कनेक्टिविटी चेक की है उस मशीन का आईपी एड्रेस भी यहां पर शो कर रहा है, पैकेट कितने सेंड किए गए 43, रिसीव कितने हुए हैं 43, कितने परसेंट पैकेट लॉस हुए कोई नहीं, क्लियर है। के साथ साथ भाई अगर आपको मान लीजिए भाई इसमें क्या है, पिंग स्पेस आईपी एड्रेस टाइप करके जब आप एंटर की प्रेस करोगे तो कंटिन्यू पैकेट सेंड होंगे, फिर आपको मैनुअली कंट्रोल सी के द्वारा उसे स्टॉप करना पड़ेगा, यही हो रहा है ना। लेकिन मैं चाहता हूं यार कि लिमिटेड पैकेट सेंड किए जाएं और उसके बाद ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स स्टॉप कर दिया जाए, तो आप यहां पर पिंग स्पेस -C स्पेस नंबर ऑफ पैकेट्स और उस मशीन का आईपी एड्रेस जिससे आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हो, समझ गए, टाइप करके एंटर की प्रेस करो। अब देखो जरा, केवल 10 पैकेट ही सेंड करेगा, उसके बाद में ये रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक स्टॉप कर देगा, ये आपको मैनुअली स्टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हो गया स्टॉप ऑटोमेटिक, कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, किसी को कोई भी डाउट है साथ के साथ क्लियर करते रहना। इसके बाद देखो, अभी हम लोगों ने कमांड यूज की थी अगर कुछ याद हो, NMCLI कनेक्शन शो, अगर आप ये वाली कमांड यूज करोगे ना तो हमारी मशीन के अंदर जितने भी कनेक्शंस होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। लेकिन एक अनदर कमांड हम लोग यूज कर सकते हैं, NMCLI कनेक्शन शो स्पेस -- एक्टिव, जितने भी एक्टिव कनेक्शन है जितने भी इनेबल कनेक्शन है मुझे केवल वो देखने हैं, जो डीएक्टिवेट कंडीशन में है वो नहीं देखने हैं, तो वो आपको दिखाई दे जाएंगे। के साथ साथ अगर आप इस डिवाइस की पूरी डिटेल चेक करना चाहते, कनेक्शन की डिटेल नहीं डिवाइस, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं NMCLI डिवाइस शो। भाई अगर आप ये वाली कमांड यूज कर रहे हो तो मेरी मशीन के अंदर जितने भी लैन कार्ड लगे हुए हैं ना, सभी की पूरी डिटेल आपको, पूरी राम कहानी आपको दिखा देगा यार, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखो जरा, मेरी मशीन के अंदर 2 लैन कार्ड लगे हुए हैं अगर कुछ याद हो तो, एक है ENS 160 के नाम से, याद है ना,
एक है एलओ के नाम से, यानी कि लूपबैक के नाम से। ये हम लोगों ने तब देखा था जब ये if config कमांड हम लोगों ने यूज की थी, याद है ना? हाँ तो सेम वही दोबारा से यूज करते हैं, nm cli device show। तो आपकी आपकी मशीन के अंदर किस नाम से लैन कार्ड अवेलेबल है, किस टाइप का है, उसका मैक एड्रेस क्या है, उसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट क्या है, कनेक्टेड स्टेट, कनेक्शन नेम किस नाम से है, इस कनेक्शन की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो किस फाइल में अवेलेबल है ये देख सकते हैं, इस कनेक्शन का आईपी एड्रेस क्या है, पूरी डिटेल आप यहां पर देख सकते हो। क्लियर है भाई? अगर आपको एक पर्टिकुलर लैन कार्ड की डिटेल देखनी है, सब की नहीं देखनी है, तो आप ENS 160 ये वाला फंडा आप यूज कर लीजिएगा, टाइप करके आप एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो आप एक पर्टिकुलर लैन कार्ड की डिटेल भी चेक कर सकते हो। क्लियर है? अगर आपको कुछ याद हो, मैंने यहां पर अभी एक कमांड यूज की थी, NMCLI कनेक्शन शो। तो हमारी मशीन के अंदर जितने भी लैन कार्ड है या जितने भी कनेक्शन है उनकी पूरी डिटेल आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कनेक्शन की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप NMCLI कनेक्शन शो और कनेक्शन नेम प्रोवाइड करना। बस इतना ध्यान रखना कहां पे मैं डिवाइस नेम यूज कर रहा हूं, ENS 160 कहां पर मैं कनेक्शन नेम यूज कर रहा हूं, टाइप करके एंटर की प्रेस करना। ये देखो जरा पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, जो भी है भैया आप आराम से रीड कर लीजिएगा। अब देखो यहां पर पूरी डिटेल आपको मिल गई है, दिखाई दे रही है ना? लेकिन अगर आप चाहो यहां पर आप स्पेस पाइप लगा के ग्रैप कर सकते हो। क्या ग्रैप करना है? हाइफन आई में यूज कर रहा हूं अपर और लोअर केस को इग्नोर करने के लिए। भाई आईपी वर्जन 4 से रिलेटेड अगर कोई एंट्री है ना वो मेरे को दिखा दे। देखो आईपी वर्जन 4 की पूरी एंट्री जो फिल्टर है ना, जिन जिन लाइनों में आईपी वर्जन 4 वर्ड आया हुआ है वो पूरी एंट्री आपको दिखाई दे जाएगी, या आईपी वर्जन 6 से रिलेटेड बहुत सारी है भैया, समझ गए ना? फिल्टर भी कर सकते हो, ग्रैप कमांड हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहां तक किसी को कोई डाउट है भैया? नहीं है? अब हम लोग बात करेंगे अभी मैंने कुछ देर पहले आपको क्या बताया था, मैंने कनेक्शन डिलीट किया। अगर आपको कुछ याद हो मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड। सबसे पहले मैंने कनेक्शन डिलीट किया था और मेरी पहली कंडीशन क्या बताई थी कि भाई मुझे एक नया कनेक्शन क्रिएट भी करना है और साथ के साथ उसे आईपी भी असाइन करना है। अब मैं चाहता हूं एग्जिस्टिंग कनेक्शन के एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को मॉडिफाई कर। मैंने बोला था ना कि आईपी एड्रेस कोई भी यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। अभी हमारे लैन कार्ड का if config स्पेस ENS 160, हमारे लैन कार्ड का आईपी एड्रेस क्या है भाई? 100.1 है ना? अब इस एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को मॉडिफाई करना चाहता हूं, चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए देखो दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस को मॉडिफाई करना। अब NMCLI कनेक्शन, अब क्या करना चाहता हूं मैं, मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो NMCLI कनेक्शन मॉडिफाई स्पेस कनेक्शन नेम विशेष देन IPv4.addresses, और जो भी आप आईपी एड्रेस मॉडिफाई करना चाहते हो
100.100.100.100 पहले 100.1 था, अब मैं 100.100 आईपी एड्रेस कर रहा हूं स्लैश 8 बिट नेटवर्क टाइप करके आप एंटर की प्रेस करो। अगर आपको वेरीफाई करना है कि भाई आईपी एड्रेस चेंज हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए आईएफ कॉन्फिग स्पेस ENS 160 यानी कि लैन कार्ड का नेम टाइप करके एंटर की प्रेस करो। ये देखिए भाई आईपी एड्रेस मॉडिफाई हो गया, नहीं हुआ है। क्यों? लिनक्स में ये छोटा सा टंटा है, यहां पर टंटा ये है कि जब आप आईपी एड्रेस असाइन करते हो ना या आईपी एड्रेस मॉडिफाई करते हो तो ऑन द स्पॉट वो चेंज नहीं होता है, वो अपडेट नहीं होता है। अब अपडेट करने के लिए दो तरीके हैं, जैसे कि मैंने यहां पर आईपी एड्रेस चेंज किया मॉडिफाई किया लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ। अब अपडेट करने के लिए दो तरीके हैं, पहला तो तरीका यही है कि भाई आप अपनी मशीन को रीस्टार्ट करो तब वो अपडेट होगा। अब यार अब ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए आप NMCLI कनेक्शन डाउन करो एक बार, कौन सा कनेक्शन विशेष नाम से सक्सेसफुली डीएक्टिवेटेड। अब दोबारा से आप इसको इनेबल करो, यानी कि आप करो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अब अगर आप वेरीफाई करो कि भाई अपडेट हुआ या रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा, लीजिए भैया मुबारक हो, अब रीस्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस ही हमारा अपडेट हो गया है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारी अब तक दो कंडीशन थी कि कनेक्शन क्रिएट करना, साथ के साथ उसे आईपी असाइन करना NMCLI कमांड के द्वारा, नेक्स्ट एग्जिस्टिंग आईपी को मॉडिफाई करना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि जो दो अनदर कमांड थी ना हमारी NMTUI और NMStateCTL, उनको कैसे यूज कर सकते हैं।